11 अक्टूबर को गिड़ा थाना क्षेत्र के रतेव गांव में एक स्वर्ण व्यापारी की दुकान में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देकर करीब 18 लाख के सोने चांदी के आभूषण पार कर दिए थे। गिड़ा थाने में मामला दर्ज करवाने के बावजूद पुलिस द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में गुरुवार को पीड़ित व्यापारी ने समाज के लोगों के साथ जिला पुलिस अधीक्षक के नाम ASP को ज्ञापन सौंप कर जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी हुआ माल बरामद करने की मांग की। बाड़मेर जिले के गिड़ा थाना अंतर्गत रतेव गांव में 11 अक्टूबर की रात्रि अज्ञात चोरों ने एक ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाया और दुकान के पीछे का दरवाजा तोड़कर 25 किलोग्राम चांदी के आभूषण और 160 ग्राम सोने के आभूषण लेकर फरार हो गए। घटनाक्रम के दूसरे दिन दुकान मालिक रावलमल पुत्र मगरा सोनी ने गिड़ा थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया, लेकिन 2 हफ्ते बीत जाने के बाद भी गिड़ा थाना पुलिस ने अज्ञात चोरों तक नहीं पहुंच पाई है। घटनाक्रम को लेकर पीड़ित पक्ष व शरणकार समाज के लोगों में रोष व्याप्त है। उन्होंने SP के नाम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के खीव सिंह भाटी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने अज्ञात चोरों के खिलाफ गिरफ्तारी करने और चोरी किए गए आभूषण बरामद करने की मांग की है। दुकान है रतेव गाँव में जो गिड़ा थाने में पड़ती है। हम लोग 11 तारीख को 3:30 बजे बाड़मेर आ गए थे कुछ बाजार के काम से और पीछे 11 तारीख को रात को चोरी हो गई और हम सुबह 8:30 बजे वहाँ पहुँचे, देखा तो पीछे का दरवाज़ा टूटा हुआ था और हमने रिपोर्ट दी गिड़ा थाने में 12 तारीख को, तो कार्रवाई अभी तक कुछ हुई नहीं है। कितनी चोरी हुई है, क्या कुछ माल? 25 किलो चांदी है और 150 ग्राम सोना है, उसमें झुमरा है, लूंग फेणिया है और चांदी के माल बना हुआ माल है चांदी का। अनुमान कितने लाख की होगी? लगभग 18 लाख की है। अच्छा, तो फिर आपने मामला दर्ज करवाया तो थाने में आप भी गए होंगे, थाने वाले क्या आपको कह रहे हैं? अभी तक वो बात कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। ज्ञापन में परिवादी ने बताया कि 11 अक्टूबर की रात्रि वह बाड़मेर आया हुआ था, उस दौरान अज्ञात लोगों ने उसकी दुकान पर निशाना बनाते हुए वारदात को अंजाम दिया। जब वो वापस रहते हुए पहुंचा तो पूरी घटनाक्रम का पता चला, जिसके बाद उसने गिड़ा थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया, लेकिन 2 हफ्ते बीत जाने के बावजूद भी पुलिस के हाथ खाली है। परिवादी ने आभूषण बरामद करने के साथ अज्ञात चोरों को नामजद कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान शरणकार समाज के दर्जनों लोग मौजूद थे।